इसमें एग्जांपल बेस्ड ऑन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस में सबसे पहले हमने क्या किया था, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या किया था, जब एक न्यूक्लियस बनता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बनता है, इंडिविजुअल मास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का ज़्यादा होता है और न्यूक्लियस का कम होता है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स में से न्यूक्लियस के मास को क्या कर दिया, माइनस। तो जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, बाइंडिंग एनर्जी। तो ये बाइंडिंग एनर्जी निकालने का तरीका है जो आज इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। प्लस इसके ऊपर ये भी क्वेश्चन आता है, फाइंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी निकालने का तरीका तो यही रहेगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं ए, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स में बाइंडिंग एनर्जी को ए से क्या कर देना है, डिवाइड, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ जाएगी, ठीक है। और पैकिंग फ्रैक्शन डेल्टा एम बाई ए है, ये डेफिनेशन हमने की थी, चेंज ऑफ मास एक्सेस अपॉन एटॉमिक मास नंबर। इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर वन, जो क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेट। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन एल्फा पार्टिकल इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुम्हें एल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और तुम्हें क्या गिवन है, तुम्हें ये कुछ गिवन है, क्या एक प्रोटॉन का मास गिवन है, एक न्यूट्रॉन का मास गिवन है, हीलियम का पूरा न्यूक्लियस का मास गिवन है, और एक एएमयू को कैसे एमईवी में कन्वर्ट करना है वो हमें याद है। अब अगर आप बात करते हो एल्फा पार्टिकल की, तो एल्फा पार्टिकल ये होता है हीलियम 4-2। तो हीलियम 4-2 में कितने प्रोटॉन्स हैं, दो प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, दो न्यूट्रॉन्स हैं, चेक कर लो, फोर प्रोटॉन्स हैं और सॉरी टू प्रोटॉन्स हैं, 4-2 दो न्यूट्रॉन्स हैं। तो इनका इंडिविजुअल मास क्या होगा, एक प्रोटॉन का मास गिवन है तो दो प्रोटॉन्स का मास निकल गया, ये आ गया, दो न्यूट्रॉन्स का मास आ जाएगा, 2 × मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये आ गया। तो इंडिविजुअल मास कितना आ गया, 2 प्रोटॉन्स का मास प्लस 2 न्यूट्रॉन्स का मास ऐड करके ये आ गया। अब हीलियम जो न्यूक्लियस है उसका मास तुम्हें गिवन है, अब इंडिविजुअल मास ये आ गया, न्यूक्लियस का मास ये आ गया, दोनों को माइनस कर दो तो चेंज इन मास आ गया, इसको मास इफेक्ट बोलते हैं। तो मास इफेक्ट कैसे निकलेगा, इंडिविजुअल मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, तो ये डेल्टा एम आ गया, पर डेल्टा एम एएमयू में आया है, तुम्हें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करनी है एनर्जी को, तो तुम इसको 931 से मल्टीप्लाई करके बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेना, इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी है। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, करना क्या है, पहले इंडिविजुअल मास ऑफ प्रोटॉन निकाल देना है, इंडिविजुअल मास ऑफ न्यूट्रॉन निकाल देना है, उसमें से न्यूक्लियस के मास को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जैसे एक्सप्रेस वन अटोमिक मास यूनिट एनर्जी यानी कि एएमयू इन द फॉर्म ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये डेरिवेशन भी मैंने करवाई थी, एक एएमयू में कितनी एनर्जी है, 931, इसको प्रूव करो, मैंने कहा था ये पेपर में आता है, देखो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। तो कैसे किया था, 1 एएमयू में इतना मास है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ है, एनर्जी इक्वलेंट क्या होगा, मास इंटू सी स्क्वायर, सॉल्व करके जूल में आएगा, जो इस जूल को 1.6 × 10⁻³ से डिवाइड करके क्या आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो वो डेरिवेशन मेरी बुकलेट में लिखी हुई है, सेम वही कर देनी है। फिर उसने कहा यूजिंग दिस एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट ऑफ, उसने ये नहीं कहा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, उसने कहा कि ऑक्सीजन के अंदर मास डिफेक्ट क्या होगा ये बताओ, और मास डिफेक्ट एनर्जी की फॉर्म में बताना है तो एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, क्योंकि मास डिफेक्ट निकालने के लिए पहले तुम्हें नंबर ऑफ प्रोटोन निकालने पड़ेंगे 8 है, न्यूट्रॉन निकालने पड़ेंगे वो भी 8 है, पर तुम्हें ना क्वेश्चन में प्रोटोन और न्यूट्रॉन का मास नहीं गिवन, ये थोड़ा याद होगा मेरे को कितना है, तो तुम्हें ये क्वेश्चन में देगा, तो ये मिसिंग वैल्यू है, वो देगा, हर क्वेश्चन में गिवन होता है, एक प्रोटोन का मास गिवन होगा तो 8 प्रोटोन का मास आएगा, एक न्यूट्रॉन का मास वो देगा तो 8 का मास आएगा, ये इंडिविजुअल मास आ गया, टोटल मास आ गया, पूरे न्यूक्लियस का मास भी देगा वो आपको, न्यूक्लियस के मास की वैल्यू भी देगा, तो इनको माइनस करके क्या आएगा, मास का डिफेक्ट आएगा, इसको 931.5 से मल्टीप्लाई करके मास डिफेक्ट आएगा इन द फॉर्म ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी आएगी। स्टेप समझ में आ रहा है, ये वैल्यूज मिसिंग है, 1, 2 और ये 3, ये तीनों वैल्यूज क्वेश्चन में पक्का गिवन होगी, 100% गिवन होगी, तो क्वेश्चन हो नहीं सकता, क्लियर है यहाँ तक क्या करना है। जैसे कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, अंडरलाइन कर लो,
अभी तक जितने क्वेश्चंस आए उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकल रही है, बाइंडिंग एनर्जी। इस बार हम क्या निकाल रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। किसका, कैल्शियम का। कैल्शियम में, कैल्शियम का पूरा न्यूक्लियस का मास गिवन है, एक न्यूट्रॉन का मास गिवन है, एक प्रोटॉन का मास गिवन है। कैल्शियम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 20, और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 20। एक प्रोटॉन का मास गिवन है तो 20 का इतना मास है, एक न्यूट्रॉन का मास गिवन है तो 20 का इतना मास है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इंडिविजुअल मास आ गया प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स का। तुम्हें न्यूक्लियस का मास गिवन है तो टोटल मास में से न्यूक्लियस के मास को माइनस करके मास डिफेक्ट आ गया, मास डिफेक्ट को 931 से मल्टीप्लाई करके बाइंडिंग एनर्जी आ गई। पर तुम्हें क्या पूछा, बाइंडिंग एनर्जी नहीं पूछी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछी। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 40। तो इसे डिवाइड करके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आपने निकालनी है। क्लियर है, ये अनसॉल्व प्रॉब्लम 101% पक्का करना, फंस जाओगे नहीं तो, प्रैक्टिस जरूरी है। ये करने से आपको पता लगेगा कि अनसॉल्व प्रॉब्लम में कैसे लगेगा, ताकि अगर कोई भी पेपर में क्वेश्चन आए आपको आता हो। होमवर्क नोट करो इसे।